तो देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद है। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर तूफान किस तरीके से आगे बढ़ता होगा और कितनी तबाही लेकर यह आएगा। एक बार मैं फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए पानी की जो है वो कितना तेजी से अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो शोर आपको साफ तौर पर सुनाई दे रहा होगा, जो हवा की आवाज जो है वो चीरती हुई इस बात को बताती हुई कि देखिए हाँ ये बात सच है कि तबाही की ये तस्वीरें जो है वो शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक जो है वो आने वाले समय में साबित होगी। क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि देखिए 3 से 5 बजे का जो है समय रखा गया है और उस वक्त जो है वो समुद्र के तट से टकराएगा। हालांकि 70,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको जो है रेस्क्यू किया गया है, सेफ्टी वाली जगह पर पहुंचाया गया है, प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन देखिए ये पानी जो है काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ हमारे पैरों तक ये पानी जो है अब पहुंच चुका है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर जब ये टकराएगा तट पर तो आखिर कितनी तबाही होगी। क्योंकि आपको 98 का वो समय याद होगा, 98 का वो समय जब 8,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और इस तरीके से मौत हुई थी क्योंकि ये उस वक्त भी जो है प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई थी उसको लेकर लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे। देखिए पानी काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ, लेकिन लगातार सावधानी पूर्वक हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि हवा की रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज है, इतनी ज्यादा तेज है कि यकीन मानिए कि यहाँ पर खड़ा होना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ऐसे में देखिए 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो 3 घंटे का समय है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मौसम विभाग तैयार है, खुद ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से की जा चुकी है। साथ ही गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात भी पूरी तरीके से तैयार है, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। हमने आपको यहाँ मांडवी की तस्वीरें दिखाई, आपको द्वारका की तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ मेरे सहयोगी लगातार जसप्रीत आपको वहां से ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जसप्रीत आपके पास क्या तस्वीर है, क्योंकि यहाँ तो पानी का लेवल जो है वो लगातार अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुपमा, हालात यहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं ये कहा जा सकता है क्योंकि हमारा तीसरा दिन है आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लेकिन मैंने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी है, ये जो चक्रवात है ये लोगों के लिए आफत बनकर आया है और इसने दस्तक देनी शुरू कर दी है। ये ऊंची ऊंची लहरें, हवा की तेज रफ्तार और इस वक्त जो हालात है, क्योंकि यहाँ पर ये देवभूमि है और यहाँ के लोगों की अटूट आस्था है कि ये आफत उनके लिए मुसीबत नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरीके से समुद्र में हलचल है, जिस तरीके से हवा की रफ्तार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि अभी तो हम ट्रेलर देख रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है, राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, उन्होंने खुद देवभूमि द्वारका की जिम्मेदारी संभाली हुई है। लेकिन मेरे सहयोगी विकास ठाकुर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर खड़े रहना तो मुश्किल है लेकिन बोल पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो रफ्तार है हवा की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ जो लहरें हैं, किस तरीके से ये मंदिर है, ये यहाँ पर पूरा इलाका इस वक्त सुनसान है और वहां तक लहरें पहुंच रही हैं। यानी कि अभी हल्की बारिश हो रही है, बारिश यहाँ पर रुकी हुई है लेकिन तेज बारिश अचानक से होने लगती है जिस वजह से यहाँ पर स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं धर्मनगरी द्वारका से, जहाँ पर रेड अलर्ट है, यानी कि जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था उसी हिसाब से तूफान आगे बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी विकास आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विकास जरा इस तरफ आप दिखाइए क्योंकि ये बेहद अहम हो जाता है। जैसा मौसम विभाग ने कहा था कि ये तूफान कमजोर नहीं पड़ेगा, गंभीर श्रेणी में इसको रखा गया है और जिस रफ्तार से यह आगे बढ़ रहा था उसी रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम भी सावधानी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बहुत अहम हो जाता है। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर लहरें काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से इसमें ये लहरें हैं, पानी का रंग बदल चुका है क्योंकि जब भी चक्रवात आता है और जो ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है क्योंकि जो सतह पे हलचल बढ़ती है उसके बाद इस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं क्योंकि द्वारका ये वो जिला जो सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर होगा, यहाँ पे रेड अलर्ट है। और जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि इसमें अगर हम बात करें इससे सटे हुए इलाकों की, हम बात करें पोरबंदर की, हम बात करें जूनागढ़ की, हम बात करें राजकोट की, तो वहाँ पर भी असर होगा लेकिन वहाँ पर येलो अलर्ट था। जसप्रीत अपना भी ध्यान रखिए, अपने सहयोगी का ध्यान रखिए और तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। लेकिन इस बीच हम आपको बताते हैं कि असर जो है गुजरात से अलग राजस्थान में भी नजर आ रहा है।
चक्रवाती तूफान को देखते हुए राजस्थान में 16 और 17 जून को रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, बाड़मेर और जालौर में रेड अलर्ट जारी किया गया, वहीं जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही और पाली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि बिना किसी काम के घरों से बाहर ना निकलें, जितना हो सके तूफान न टल जाने तक घरों में रहने की कोशिश करें। इस बीच तक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए गुजरात के कच्छ में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। तूफान कई जिलों से होकर गुजरेगा और कई इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका जताई गई, जिसके बाद वहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। लेकिन जखौ इलाके के आखिरी गांव आशीरावांड के लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। बात सही है, गांव तो पूरा खाली कर रहा है, लेकिन हमारा गांव जो ढोर भैंसों है उसके लिए चारोजार के लिए कौन करेगा। उधर कच्छ के मांडवी में प्रशासन ने मुनादी करवाई, लोगों को नगर पालिका की गाड़ी में बैठाकर सुरक्षित जगह भेजा गया। मांडवी बीच के आसपास जो इलाके हैं वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। बताया गया कि मांडवी में करीब 200 घर हैं जिनमें 50-60 छप्पर वाले घर हैं जो तूफान में तिनके की तरह उड़ सकते हैं। और इस बीच चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने के बाद उसका असर राजस्थान में भी हो सकता है, जिसके लिए बाड़मेर जिला प्रशासन ने एक अहम बैठक बुलाई, जिससे होने वाले असर से निपटने के लिए हाई लेवल मीटिंग में तैयारी पर समीक्षा हुई है, जिसमें राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाड़मेर के अधिकारियों में तैयारियों का फीडबैक लिया। साथ ही 16 और 17 जून के लिए बाड़मेर समेत 4 जिलों को रेड अलर्ट जोन में रखा, जिसमें बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और पाली जिले शामिल हैं। मुख्य सचिव ने इस मीटिंग के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी पर जोर देने के दिशा निर्देश दिए, क्योंकि तूफान के गुजरात से टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की जा चुकी है। मौसम विभाग ने गुजरात में तूफान के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया, जिससे पेड़ों और बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली प्रभावित होने की आशंका जताई गई। इस परेशानी से निपटने के लिए बिजली विभाग ने करीब 600 टीमें तैनात की, जबकि सड़कों की मरम्मत और सफाई के लिए 115 टीमों को लगाया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने तूफान के खतरे को देखते हुए कमर कस ली। जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है वहां के अस्पतालों में जनरेटर की व्यवस्था की गई, ताकि बिजली जाने के बाद भी काम प्रभावित ना हो। इसके अलावा जरूरी दवाओं के इंतजाम के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गई। वहीं इमरजेंसी के लिए करीब 239 एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रभावित गुजरात के करीब 8 जिलों से अब तक 70 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात से निपटने की तैयारियों को लेकर सीएम डैशबोर्ड के जरिए कच्छ समेत तटीय जिलों के कई गांव के सरपंचों से बातचीत की। सीएम पटेल ने द्वारका, जामनगर, कच्छ और गीर सोमनाथ में हालातों की जानकारी ली, साथ ही उनकी जरूरत को पूरा करने के निर्देश भी दिए। तटीय इलाकों में लोगों को खाने के पैकेट और पानी की आपूर्ति का पुख्ता इंतजाम किया गया है। तूफान बिपरजॉय सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ रहा है, ये जखो से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर रह गया। इसकी हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान शाम तक तट पर पहुंच जाएगा, और इसीलिए इसको देखते हुए पहले ही तट के आसपास के जितने भी इलाके हैं, जो भी गांव हैं, उनको इवैक्यूएट करा लिया गया, यानी कि खाली करा लिया गया, क्योंकि बहुत तेजी से ये अब तटों की ओर बढ़ रहा है। सौराष्ट्र, कच्छ और द्वारका में सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, लिहाजा यहां पर तैयारियां पूरी है। साइक्लोन थोड़ा सा वीक होने का संभावना था और 125-135 स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सुबह, और ऐसे ही हुआ है। थोड़ा से विंड स्पीड अभी साइक्लोन के सेंटर के आसपास कम हुआ है, मगर फिर ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टर्म है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टर्म है और ये आगे नॉर्थ ईस्ट दिशा पे सौराष्ट्र कच्छ और एडजेंट पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। Maybe